ओम शांति। 12 जून 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न: इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर: तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते? गीत: बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड्स ब्राइडग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकती? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, यह और कोई भी नहीं समझ सकती है। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुहाफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं।
तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? तुम अपनी शक्ल तो देखो, श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो? बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते? अब बाप बैठ समझाते हैं, हू बहू जैसे कल्प पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी, जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं, फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते हैं, तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबर वार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पद पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहाँ है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो होते हैं ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की, तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं जो सब कुछ बाप को दे देते हैं? बाबा यह सब कुछ आपका है, भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर रत्नागर जादूगर, यह महिमा है बाप की ना कि श्री कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रालब्ध पाई, वह भी बाबा का बना, प्रालब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रालब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो जरूर, इन्होंने पास्ट में प्रालब्ध बनाई होगी ना। नेहरू की प्रालब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे, बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर वन तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है, इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह कोई जानते नहीं, वंडर है ना। कहते भी हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे कोई को पता नहीं। और यह है 5000 वर्ष की बात, बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं,
तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़े ही दिया जाता है। यह कितनी गुहिया गंभीर बातें हैं। हैं ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे। आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहां गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है। बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं, मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन देवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ, कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानु वाच। शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव।
ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं, मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह सब पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर है ना? कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। बाप से कहते हैं, हे भगवान रहम करो। तो सब पर रहम वो करते हैं, बाकी सब हैं हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। यह काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी आदि कोई नहीं होते। वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। गंद करने वाली कोई चीज होती नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शूबी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं। यह सब साक्षात्कार हैं। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है। यह सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सबकी आसुरी मत। इसीलिए वह जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण हैं। उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। चंचलता की कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जब इस पुरानी दुनिया से मोह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है।
दूसरा, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर व अर्पण कर देते हैं, स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। स्लोगन, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य लोक, देव लोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, यह सच है या कल्पना है अथवा वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर पंछी और पशु योनि में। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और ना जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उन्हों की दुनिया अपनी है, यह मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, ना कि जानवरों में। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं, तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है, और यह ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, ना कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। यह जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है, सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी यह 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब यह सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाती हैं। उन्हों का भी
मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पार्ट होता है। इसीलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में ना जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती हैं। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है, फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती हैं, और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती हैं। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर ना धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ट बन भटकती रहती है, यह भी एक सजा है अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति।